हेलो दोस्तों, नमस्ते। सभी दोस्तों का स्वागत है स्टडी विद एमके यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में राजस्थान सीईटी से संबंधित राजस्थान जीके की इम्पोर्टेंट क्लास लेकर आ चुका हूं और ये सभी प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं, तो रोजाना यहां पर आपको क्लास मिलने वाली है और इसकी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम चैनल का लिंक है वहां पर आपको मिल जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान की धातु नगरी किस शहर को कहा जाता है? तो यहाँ पर चार ऑप्शन आपके सामने है। सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों नागौर। राजस्थान की जो धातु नगरी है वो नागौर को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आदिवासियों के कुंभ के नाम से कौन सा तीर्थ स्थल प्रसिद्ध है? मातृकुंडिया, वाल्मीकि मंदिर, कपिलधारा या बेणेश्वर? तो दोस्तों आप सभी को पता है इसका सही उत्तर हो जाएगा बेणेश्वर, जहां पर दोस्तों आपको पता है तीन नदियों का संगम होता है, ठीक है ना, सोम, माही और जाखम। तो यहाँ पर दोस्तों माघ पूर्णिमा को जो है मेला लगता है और बेणेश्वर को क्या कहता है दोस्तों? डेल्टा का स्वामी कहा जाता है, यह भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान पूर्वी मैदानी भाग की जो जलवायु है वो किस प्रकार की है? अति आद्र, आद्र, उपाद्र या शुष्क? तो दोस्तों आपको पता है इसका सही उत्तर हो जाएगा आद्र, आद्र जलवायु है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, गणेश्वर सभ्यता का संबंध किस नदी से है? गणेश्वर सभ्यता का संबंध किस नदी से है? तो आप सभी को पता है गणेश्वर जो सभ्यता है दोस्तों वो कांतली नदी के किनारे विकसित हुई है, तो कांतली नदी से इसका संबंध है गणेश्वर सभ्यता। और कहां पर है दोस्तों? ये सीकर जिले के अंदर है, ठीक है ना। और कांतली नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है उसे क्या कहा जाता है? तोरावाटी क्षेत्र कहा जाता है, ये भी ध्यान रखना, तोरावाटी क्षेत्र, तोरावाटी क्षेत्र कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, खुमान रासो नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? खुमान रासो जो ग्रंथ है इसकी रचना की थी भाई दलपत विजय ने। किसने की थी? दलपत विजय ने इसकी रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा युग्म असंगत है? यानी इनमें से आपको बताना है जो नदी है और बांध है वो यहाँ पर एक असंगत है। तो यहाँ पर सी हो जाएगा, मोरेल जवाई बांध जो है पाली, ये यहाँ पर गलत हो जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। बाकी यहाँ पर सारे सही हैं, ठीक है ना। मेजा बांध जो है आपको पता है कोठारी नदी पे बना हुआ है भीलवाड़ा में, ठीक है ना। और नाकोड़ा बांध लोनी नदी में बाड़मेर, और अजान बांध गंभीर नदी पर भरतपुर के अंदर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वनावरण की दृष्टि से सबसे समृद्ध जिला यानी सबसे ज्यादा जो वन है किस जिले में पाए जाते हैं? तो आपको पता है सबसे ज्यादा वन जो है उदयपुर जिले के अंदर पाए जाते हैं। सबसे कम की बात करें दोस्तों तो चूरू जिले के अंदर, ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों प्रतिशत में सबसे कम आपसे पूछ ले तो कौन सा जिला आएगा? जोधपुर, परसेंटेज के हिसाब से, ठीक है। और प्रतिशत में सबसे अधिक तो उदयपुर ही आएगा, यानी उदयपुर दोनों तरीके से वन में संपन्न है, ठीक है, ये ध्यान रख लेना आप। रंगमहल सभ्यता कहाँ पर है? रंगमहल, चाहे रंगमहल है दोस्तों या कालीबंगा, पीलीबंगा, ये सारी जो सभ्यता है आपकी ये आपके हनुमानगढ़ के अंदर ही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घड़ियालों के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य कौन सा है? घड़ियाल, तो घड़ियाल आपको पता दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जवाहर सागर अभ्यारण्य, ठीक है ना, घड़ियालों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा युग्म गलत है? यानी एक तरफ ग्रंथ है और उसके रचयिता, यानी कोयलुमाला, उदयधन सूरी, ढोला मारो दुआ, कवि किल्लोल, पृथ्वीरासो, चंद्रप्रदाई और लीलठास ईसरदास। तो यहाँ पर जो गलत हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों लीलठास, लीलठास ईसरदास की नहीं है। तो लीलठास किसकी है दोस्तों? कमेंट करके बताना आप सभी को, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ढोला मारू लोक गीत है, ढोला मारू जो लोक गीत है कहाँ का प्रसिद्ध है भाई? जोधपुर का है, सिरोही का है, या बीकानेर का है, या फिर उदयपुर का है? तो ढोला मारू दोस्तों आपको हो जाएगा सिरोही का गीत है, ये कहाँ का है? सिरोही जिले का है ढोला मारू गीत। कौन सा युग्म असंगत है? थेवा कला, प्रतापगढ़, ब्लू पोटरी जयपुर, उस्ता कला बीकानेर, अजरक प्रिंट जैसलमेर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों ये गलत हो जाएगा आपका, क्योंकि अजरक प्रिंटर है बाड़मेर की है। मलिर प्रिंट हो या अजरक प्रिंट हो ये बाड़मेर की है। थेवा कला आपको पता है जो है सोनी परिवार, ये प्रतापगढ़ के अंदर जो है बेल्जियम के कांच पे सोने की नक्काशी की जाती है। ब्लू पोटरी जयपुर की प्रसिद्ध है, कल्पाल सिंह शेखावत। उस्ता कला हमीदुद्दीन उस्ता बीकानेर, ऊंट की खाल पर चित्रांकन करते हैं, क्या करते हैं? ऊंट की जो खाल होती है उस पर चित्र बनाते हैं, ठीक है। चलिए, हाडोती का खुजराव किसे कहा जाता है? शिव मंदिर बाडोली, जैन मंदिर रणकपुर, शिव मंदिर बंडदेवरा बाराया, शीतला शीतलेश्वर मंदिर जादरा पाटन। तो हाडोती का जो खुजराव है दोस्तों ये आपका कहा जाता है यहाँ पर शिव मंदिर बंडदेवरा बारा। अब दोस्तों आपको बताना है यहाँ पर जो है मेवाड़ का खुजराव किसे कहा जाता है? मेवाड़ का खुजराव, ये कमेंट करके आपको बताना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांवड़ जाति किस नृत्य के साथ रामदेव जी का यशोगान करती है? तो वेरी इंपॉर्टेंट आपको पता है तेरह ताली नृत्य, तेरह मंजिलों की सहायता से नृत्य किया जाता है। और ये जो नृत्य है ये मांगी बाई जो है पादरला गांव पाली, वहां से इस नृत्य का उद्गम होता है, ठीक है ना। और रामदेव जी के मेले में विशेष तौर से यह नृत्य किया जाता है तेरह ताली, ठीक है। और मारवाड़ की कांवड़ जाति, कौन सी? मारवाड़ की, ध्यान रखना है, मारवाड़ की कांवड़ जाति के द्वारा ये किया जाता है। नेक्स्ट, राजस्थान में ब्लू पोटरी कला के लिए प्रसिद्ध है? ब्लू पोटरी के लिए आपको पता है के एस शेखावत, यानी कृपाल सिंह शेखावत, ठीक है, ब्लू पोटरी के लिए। मारवाड़ के राठौड़ वंश का संस्थापक कौन था? तो राठौड़ वंश का जो संस्थापक था राव सिया था, ठीक है, राव सिया था दोस्तों, ये भी आपको ध्यान रखना है।
अगला प्रश्न है, राजस्थान में महाभारत काल के अवशेष कहाँ मिलते हैं? तो महाभारत काल के जो अवशेष है, एक तो अलवर के निकट और एक दोस्तों भरतपुर के निकट नौ में, और अलवर के निकट बेराट के अंदर। ये सही हो जाएगा। कौन सा युग में असंगत है? लोहागढ़ का किला भरतपुर में, भटनेर हनुमानगढ़, मेहरानगढ़, जोधपुर और गागरौन। गागरौन गलत हो जाएगा। गागरौन दोस्तों आपको पता झालावाड़ के अंदर है, ठीक है, ना कि बारा में, झालावाड़ में। अगला है, काजरी शोध संस्थान कहाँ पर है? काजरी या आफरी, दोनों ही दोस्तों कहाँ पर? आपके जोधपुर के अंदर है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है ये। मेवाड़ का भीष्म पितामह किसे कहते हैं? तो मेवाड़ का जो भीष्म पितामह है वो आपका कहा जाता है कुंवर चोड़ा, ठीक है ना। आजीवन दोस्तों कुंवरा रहने की इन्होंने प्रतिज्ञा ली थी, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, चंपानेर की जो संधि है वो कब हुई थी? तो 1456 के अंदर हुई थी, ठीक है ना, चंपानेर की संधि। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। जालौर के चौहान वंश का संस्थापक कौन है? तो जालौर का जो चौहान वंश है, इसके संस्थापक दोस्तों नाडोल के शासक कल्याण के पुत्र कीर्तिपाल। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी के सभी। राजस्थानी भाषा में पवाड़ा का क्या अर्थ है? पवाड़ा दोस्तों क्या होता है आपको पता है? ये होता है किसी लोक देवताओं की गाथा। एक होती है फड़, फड़ अलग होती है, पवाड़ा अलग होता है, ठीक है ना। पवाड़ा जो है माट वाद्य यंत्र के द्वारा बांचे जाते हैं, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और फड़ अलग अलग लोक देवताओं की होती है, चाहे वो रामदेव जी की फड़ हो, तेजाजी की, सॉरी अपने बाबू जी की फड़ हो, ठीक है, इस तरीके से। नाथद्वारा के पास मोलेला गांव किसके लिए प्रसिद्ध है? मोलेला गांव, तो मोलेला जो है दोस्तों टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? टेराकोटा के लिए, मोलेला, नाथद्वारा, राजसमंद। नागार्जुन किस चौहान शासक का समकक्ष था? नागार्जुन, तो नागार्जुन दोस्तों पृथ्वीराज चौहान तृतीय का समकक्ष था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का शहर सिंधु घाटी स्टाइल में बसा हुआ है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो ये हो जाएगा भाई जयपुर आपका, ठीक है, जयपुर इन सिटी। चरणदास संप्रदाय संबंधित है, चरणदास जो संप्रदाय है दोस्तों ये ध्यान रखना है, ये है आपके चरणदास जी संप्रदाय सगुण भक्तिधारा से, याद रखना। किससे? सगुण भक्तिधारा से। खेत जोतने से पहले खेत में झाड़ झाड़ियां आदि को काटकर साफ करना क्या कहलाता है? वेरी इंपॉर्टेंट है, तो सूड कहलाता है। कला संस्कृति या अपने ग्रामीण परिवेश से संबंधित ये प्रश्न है। शहरी जाति के लोग छतरी नुमा गोल झोंपड़ी को क्या कहते हैं? तो इसको ये कहते हैं दोस्तों हताई। वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में आ चुका है, वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन लगा रहा हूं मैं। सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है और इन्हीं में से आपके एग्जाम में आने वाले हैं। लहरियाबाद की ओढ़ी राजस्थान में किस माह में ओढ़ी जाती है? लहरिया, तो आपको पता है लहरिया श्रावण के अंदर, ठीक है, श्रावण के अंदर। उनमें से जूना पत्रासर क्या है? जूना पत्रासर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जूना पत्रासर दोस्तों बाड़मेर में पुरातात्विक स्थल है, उसे जूना पत्रासर कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान हेल्थ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट किसकी सहायता से 21 जुलाई 2004 को प्रारंभ हुआ था? तो ये हुआ था वर्ल्ड बैंक की सहायता से, ठीक है ना। वर्ल्ड बैंक की स्थापना 1945 के अंदर हुई है, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से राजस्थान के कौन सी चित्रशैली में भोरों का सबसे ज्यादा अधिक चित्रण हुआ है? भोरों का चित्रण, तो भाई भोरों का जो चित्रण हुआ है वो किशनगढ़ शैली के अंदर हुआ है। वेरी इंपॉर्टेंट है, किशनगढ़ शैली बनी ठणी के नाम से जानी जाती है, किसी बनी ठणी। और नागरीदास साउंड सिंह इसके जो है संरक्षक करता है, ठीक है ना, राजा हुआ करते थे साउंड सिंह, और कृष्ण के भक्त थे तो नागरीदास के नाम से वो कविताएं लिखते थे, ठीक है ना, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, खेत में पशुओं आदि से फसलों की सुरक्षा हेतु लकड़ियों एवं घास फूस से बनाई गई मानव आकृति क्या कहलाती है? तो आपको पता है कहीं अड़वा भी बोलते, कहीं बीजू का भी बोलते, तो दोनों सही हो जाएंगे इसके, ठीक है। नेक्स्ट, राजस्थान में किस शासक ने 1534 में बाबर के पुत्र कामरान को हराया था? तो बाबर का पुत्र कामरान जो है किसे पराजित हुआ था? राव जैत सिंह ने हराया था बीकानेर, ठीक है। वह कौन सा शहर है जो जयपुर की तरह जयपुर की सिस्टर सिटी कहलाता है? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपकी प्रमोंट सिटी अमेरिका। उनमें से कौन सा राजस्थान की सबसे पुरानी कार है? ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, एग्जाम में आया हुआ था आस्टीन, ठीक है, 1923। पगड़ी के गहने कौन कौन से हैं? तो पगड़ी के गहने दोस्तों आपको पता है कलंगी भी है, सरपेच भी है, तो यानी इसमें जो है सी सही होगा, क्योंकि सरपेच और कलंगी दोनों, ठीक है, या उपरोक्त सही भी हो सकता है। पगड़ी बांधने के लिए लकड़ी से बना सिर का ढांचा क्या कहलाता है? तो मतंगो कहलाता है। मधु का इंडिका किसका नाम है? तो महुआ का नाम है, ठीक है ना, महुआ। आदिवासियों का क्या कहा जाता है इसे? सोना या कल्पवृक्ष भी कह सकते हैं। निम्नलिखित में से भामाशाह का दान चित्र किसने बनाया था? तो ये बनाया था आपके बद्रीलाल जी सोनी ने। नेक्स्ट है, सहरिया जनजाति के लोग मरे हुए की अस्थियां विसर्जित करते हैं, इसको क्या कहते हैं? तो इसे क्या कहा जाता है भाई? इसे कहा जाता है धारी संस्कार, ठीक है, धारी संस्कार। झुंझुनू के प्रसिद्ध मूर्तिकार माथुराम वर्मा ने विश्व की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा बनाई गई थी, कहां पर स्थित है ये? ये है भाई बिड़ला कानन उपवन, ठीक है। और अभी दोस्तों आपको पता है नाथद्वारा के अंदर भी जो है एक बड़ी भोलेनाथ की प्रतिमा बनाई जा रही है, 10 साल से उसका निर्माण चल रहा है, कंप्लीट हो चुकी है। कौन सा अभ्यारण्य सर्वप्रथम डाक टिकट जारी हुआ अभ्यारण्य पर? तो ये हुआ आपके
केवलादेव घना पक्षी अभयारण्य भरतपुर में, डाक टिकट जारी हुआ सबसे पहले इसी अभयारण्य में। त्रिकोणात्मक घंटाघर कहां पर है, तो ये आपको पता है घंटाघर हो जाएगा झालावाड़ के अंदर त्रिकोणात्मक। पीतल पर नक्काशी की कला को क्या कहते हैं, पीतल पर जो नक्काशी करते हैं उस कला को कहते हैं मरोड़ी कला। नेक्स्ट राजस्थान में रसिया बालम का मंदिर कहां पर है, तो रसिया बालम का जो मंदिर है दोस्तों ये हो जाएगा आपके माउंट आबू सिरोही के अंदर। चित्तौड़ के किले के मुख्य प्रवेश द्वार का क्या नाम है, सही उत्तर होगा बड़ी पोल। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से राजस्थान की रानी लक्ष्मीबाई कौन कहलाई, तो सूजा ये लाडनू की है, ठीक है इनको जाना जाता है। आदिवासी द्वारा कुल देवता को प्रसन्न करने के लिए जंगलों में लगाई जाने वाली आग को क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं दोस्तों मगरा स्नान, मगरा स्नान। अगला प्रश्न है गरीबी और कुपोषण से ग्रस्त जिला कालाहांडी, कालाहांडी जो जिला है दोस्तों ये इन्हें 12 जिलों को कहते हैं, ठीक है इसको नाम दिया गया है। जयपुर रियासत का राजस्व रिकॉर्ड क्या कहलाता है, अड़सट्टा कहलाता है भाई, ठीक है अड़सट्टा। मेवाड़ रियासत में स्वामी भक्त की शपथ लेने को क्या कहता है, आन लेना, ठीक है। और अंतिम प्रश्न है ग्रासिया लोगों में प्रचलित विनिमय विवाह को क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है भाई ओटा सोटा। तो साथियों देख सकते हो आप लगभग 50 से ज्यादा क्वेश्चन मैंने करवा दिए बहुत ही कम समय के अंदर, और वेरी इंपॉर्टेंट है। टेलीग्राम पर पीडीएफ मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, रोजाना ऐसे प्रश्न करवाने वाला हूँ आपको, तैयारी बहुत मजबूत आपकी यहाँ पर होने वाली है। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।